नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था एक दो दिन पहले कि यूपी TRPSC की जो वैकेंसी आई हुई है फार्मा रिक्रूटमेंट के लिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर ये पेट एग्ज़ाम क्या होता है, इसका क्या मतलब है, अब कब से फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, क्या डिफार्मा वाले इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथ ही यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि चैनल पर हम आपको फार्मेसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। और आप लोग किसी भी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग डिमांड करेंगे अगला वीडियो उसी टाइप का बनाया जाएगा। आइए सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में बताते हैं। इस वैकेंसी साथ में टोटल इसमें पोस्ट आई हुई 361 पोस्ट आई हुई है। उस पोस्ट का नाम है फार्मासिस्ट जूनियर एनालिस्ट, ठीक है, जो कि आप पूर्णिया जो है ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा अगले महीने से। अभी काफ़ी समय है साथियों, जो कि अप्रैल महीने से इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। वहीं यहां पर फीस की बात कर लेते हैं तो यहां पर जो है मात्र 25 रुपये इसकी फीस है, बहुत ही कम फीस है। और यहां पर 21 से 40 साल तक लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था क्या हमारी एज कम है तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो एज लिमिट यहाँ पर दी गई है 21 साल से 40 साल तक, यदि आपकी एज है, आप फार्मा कंप्लीट किए तो ही आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर डी फार्मा वाले अवेलेबल नहीं है, केवल बी फार्मा वाले या इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर साथियों साथ ही आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। यदि आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पेट एग्ज़ाम की क्या है। साथियों, यूपी में एक ऐसा एग्ज़ाम जारी किया गया है जो पेट एग्ज़ाम, यानी गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी आती हैं ज़्यादातर साथियों यहां पर जो है पेट एग्ज़ाम जारी किया गया है, ठीक है। पेट एग्ज़ाम को यदि पास करने के लिए आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म आता है, इसका आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसको पास आउट करेंगे, उसके बाद जो भी वैकेंसियाँ यूपी में आएंगी यहाँ पर पेट मांगा जाएगा, वहाँ पर आपका पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी है वहाँ पर ऑप्शन आएगा, उसको आपको फिलअप करना होगा। इस प्रकार से हरियाणा में है, अलग अलग राज्य वाले अपने अपने हिसाब से अलग अलग जो है एग्ज़ाम लॉन्च किए हैं किसी अन्य अन्य नाम से। जो यूपी में लॉन्च किया गया UPET, यानी कि पेट एग्ज़ाम लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से जो वहाँ पर पास आउट होंगे वहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथियों, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं जहां पर बी फार्मा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, या आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि UPSC की जो वैकेंसी आई है वो बी फार्मा वालों के लिए है, ये बी फार्मा वालों के लिए ही है और ये जो है साथियों डी फार्मा वालों के लिए नहीं है। यानी आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। साथियों, बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी जहां पर डी फार्मा लोग अवेलेबल हैं, वैकेंसी के बारे में पता चला है, पूरी जानकारी लेकर आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने अपने तमाम अपूर्ण समय दिया अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू।